हाय फूडीज, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ टेस्टी रेसिपी बनाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट करना ना भूलें। चलिए कुकिंग करते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं व्रत में खाने वाली सिंघाड़े के आटे की कढ़ी, जिसे हम फलाहारी कढ़ी भी कहते हैं। जब व्रत में हमारा कुछ हैवी खाने का मन ना करे तो हम इसे झटपट बना सकते हैं, क्योंकि ये खाने में बहुत ही हल्की और बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कढ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा कटा हुआ आलू, एक कप दही, सिंघाड़े का आटा, करी पत्ता, एक हरी और एक लाल मिर्च और बारीक कटी हुई हरी धनिया। सबसे पहले हम एक पैन में 2 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे और घी के गर्म होते ही इसमें अपना कटा हुआ आलू भी डाल देंगे और आलू को डालकर इसे पकाएंगे। जब तक कि आलू पक रही है, हम दूसरी तरफ कढ़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए एक बाउल में हमें 2 टेबल स्पून सिंघाड़े का आटा डालना होगा। सिंघाड़े का आटा डालने के बाद इसमें ठीक उतनी मात्रा में, यानी कि 2 टेबल स्पून दही डालना होगा। दही डालने के बाद हमें इसे स्पून या हैंड की मदद से अच्छे से फेंटना है, ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना बने। तो देखिए, मैंने स्पून की हेल्प से इसको फेंटना चालू किया है। मेरे पेस्ट में गुठलियाँ भी ख़त्म हो रही हैं। तो ये देखिए, मेरे पेस्ट में बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं है। अब इसमें हम बची हुई सारी दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद इसे हम फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स होने के बाद इसमें हम 2 कप पानी डालकर अच्छे से मिक्स करके एक पतला सा पेस्ट बना लेंगे। अब दूसरी तरफ मेरी आलू भी पक चुकी है। ये देखिए, आलू फ्राई होकर एकदम रेडी है। इसे हम निकाल लेंगे। आलू निकालने के बाद उसी पैन में जो हमारा घी बचा हुआ था, उसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद इसमें हम हरी मिर्च और लाल मिर्च भी डाल देंगे। देखिए, हमें घी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी है, क्योंकि इसमें बहुत कम घी का यूज़ होता है। मिर्च लाल होने के बाद इसमें हम करी पत्ता भी डाल देंगे और करी पत्ता के लाल होते ही इसमें हम सिंघाड़े काटा और दही का जो पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें अपना पका हुआ आलू भी डाल देंगे। आलू डालने के बाद इसमें हम स्वाद अनुसार सेंधा नमक, जिसे कि हम व्रत वाला नमक भी कहते हैं, डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हाई फ्लेम पे हमें 1 मिनट के लिए और पकाना है। ये देखिए, मेरी कढ़ी गाढ़ी हो रही है जैसे जैसे ये पक रही है। कढ़ी के पकने के बाद इसमें हम हरी धनिया डालकर फ्लेम को बंद कर देंगे। ये देखिए, मेरी कढ़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं, या फिर आप सिंघाड़े के आटे की पूड़ी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी टेस्टी रेसिपी बनके तैयार है। ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के लिए हमारे साथ बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।